गुड इवनिंग एवरीवन। हाय, आप नितिन सिंह, कैसे हो आप सब लोग? आई होप काफी बढ़िया हो गए। फाइनली मतलब आरआरबी पीओपी खत्म हो चुका है, लास्ट शिफ्ट शायद खत्म होने आ रही होगी। मेरी 2:45 की शिफ्ट थी। मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं गया और ज़्यादा अटेम्प्ट भी मेरे हुए नहीं, और मुझे पेपर मैथ्स का, स्पेशली मैथ्स का सेक्शन क्या ही बोलना, मतलब जबकि आप मैथ्स में काफ़ी बढ़िया है उसके बाद भी मैथ्स के अंदर मेरे अटेम्प्ट नहीं हुए। मैं किसी को मतलब ब्लेम नहीं करूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ओ हो मेरे अटेम्प्ट नहीं हुए, पेपर ही नहीं था अटेम्प्ट करने वाला, तो क्या करोगे अटेम्प्ट। 6 क्वेश्चन रॉन्ग सीरीज के थे, 3 DI ऐसे दे दिए जो कि मतलब सॉल्वेबल नहीं थे, और मोस्ट हो रहे थे, क्या अटेम्प्ट करता बंदा, अरिथमेटिक वही अटेम्प्ट करके आए हैं। खैर, वीडियो पूरी देखना, यदि नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना, वीडियो जेन्युइन लगे तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। कल जिनका आरबी क्लर्क का पेपर है उनके लिए मैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भेज सकता हूँ, भेजूंगा, तो आप लोग देख लेना, काफ़ी हेल्प होगी। सबसे पहली बात तो ये मेरे अटेम्प्ट हुए 52, ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हुए, 52 अटेम्प्ट हुए, 28 रीजनिंग, 24 मैंने मैथ्स में किए। सबसे पहले मैथ्स की बात करता हूँ, अप्रॉक्सीमेशन आया था, 6 क्वेश्चन बहुत ईजी थे, बन गए। 6 क्वेश्चन आए थे रॉन्ग सीरीज के, एंड स्पेशली रॉन्ग सीरीज यार ऐसी थी मतलब जो कि कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग थी यार। मतलब एक तो रॉन्ग सीरीज देख के कहीं ना कहीं इंसान वैसे ही पैनिक हो जाता है, ऊपर से साला टाइम कंज्यूमिंग सीरीज मेरे को लगी। मेरे अटेम्प्ट पूरे 6 हो गए थे, मतलब मेरा टाइम लग गया 4 मिनट के आसपास लग गया। और उसके बाद एक DI थी पाई चार्ट वाली, जहाँ पे लाइब्रेरी में ABCDE शायद डेटा 8000 था या 800 ऐसा कुछ था। उसके बाद वो DI थोड़ी ईजी थी, जहाँ पे कैलकुलेशन तो था मगर ईजी थी, मैं बोलूँगा। उसके 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक DI जो कि टेबुलर बेस्ड थी, मेरा दिल आ गया एकदम से, मतलब भाई करना ही करना अटेम्प्ट, मगर वो DI का मैंने डेटा निकाल लिया, सब कुछ कर लिया, मगर एक टाइम के वो DI बनी नहीं रही, लिटरली टाइम भी वेस्ट हुआ और वो DI भी छोड़नी पड़ी। उसके बाद केसलेट DI थी, वो तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करी। उसके बाद मैंने अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 क्वेश्चन मैंने अरिथमेटिक के किए, जहाँ मैंने एक तो मैंने पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन किया था, वहाँ पे आंसर 1 आ रहा था 1 आवर। एक क्वेश्चन किया था मैंने शायद उसका था प्रोबेबिलिटी का, और एक क्वेश्चन उसके बाद मैंने अरिथमेटिक अटेम्प्ट किया कहीं ना कहीं, और अरिथमेटिक के अंदर मतलब मुझे लगे क्वेश्चन डुएबल थे और बन भी गए में से। यदि एक चीज़ बोलूँगा, जिनका कल आरआरबी क्लर्क का पेपर है, भाई टेंशन मत लो, पेपर इजी आएगा और पेपर इजी ही आता है आरआरबी क्लर्क। आप बिल्कुल फोकस करके जाओ अपने एग्जाम पे, जिनका 8 तारीख को है, जिनका 14 को है, आप बिल्कुल बिंदास होकर जाना, इससे कंपेयर मत करना, बस ये बोलूँगा। अब मैं यदि बात करूँ रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग में 5 क्वेश्चन आए चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, 2 क्वेश्चन आए सिलॉजिज्म के, 3 क्वेश्चन आए वो ऐसी पजल नहीं होती ABCDE, ई दो लोगों से बड़ा है, ए ई और सी से बड़ा, ऐसी वाले 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद 3 क्वेश्चन ब्लड डोनेशन के थे, 6 या 7 मेंबर्स बन रहे थे, जिसमें हमें K का डेटा नहीं पता था। उसके बाद ब्लड डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन आपके मिसिंग्स के थे, एक ऐसा था कि एक ऑड डिजिट से +1 करना है, इवन डिजिट में -2 करना है, कितने डिजिट है जो कि रिपीट हो रहे हैं ट्वाइस, उसमें आंसर 2, 4, 6 आया मेरा। एक ऐसा था, एक वर्ड दिया हुआ था जहाँ पे हमें रीअरेंज करके लेफ्ट टू राइट, कौन सा फिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट, मेरा एन ऑप्शन में आया एन आंसर। उसके बाद एक तो निकालना था कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड में कितने पेयर बन रहे थे, मेरे 3 बने शायद से। एक था भैया कि जहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड, वो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद 5 मार्क की अपनी स्क्वायर बेस पजल थी, सेंटर वाले बाहर देख रहे हैं कॉर्नर वाले अंदर, वो इजी थी, बन गई। 5 क्वेश्चन थे अपने लीनियर बेस के ऊपर, 7 लोग थे, 7 अलग अलग कलर लाइक कर रहे, नॉर्थ फेसिंग था। उसके बाद 5 क्वेश्चन आपकी एज बेस थी, एज बेस वाली पजल ने मेरा टाइम भी खाया और मेरा पेपर भी घुसा दिया उसने। छोड़ो, 5 क्वेश्चन आपके थे, 10 लोग हैं, 5 महीने थे, 2 डेट्स थी उसके ऊपर, और कुछ बचा गया, पूरा ही हो गया। लास्ट में ये बोलूँगा यार, जिनके अटेम्प्ट कम भी हुए ना, तो टेंशन मत लो यार, एक्यूरेसी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। मेरी एक्यूरेसी 100% या 1 क्वेश्चन गलत हो सकता था, हो सकता था, पूरा पेपर मेरा सही है। बाकी यार डिपेंड करता है कि लोग कैसा अटेम्प्ट कर रहे हैं, मेरे एक्यूरेसी से कुछ होता नहीं है। और जो कट ऑफ वाला वीडियो है वो मैं कल बनाऊंगा। और हाँ, एक चीज़ और, मेरी ज्वाइनिंग आ चुकी है, मेरे को 17 को पहले ज्वाइन करना है मुंबई में। बाकी लास्ट में ये बोलूँगा, जिनका कल पेपर है, आप लोग टेंशन मत लो, बिंदास होके पेपर दे जाओ। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना, बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम। राम।